मैं आज द बॉटनी चैनल की तरफ से आपको CRP टेस्ट, जिसको सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है जो बहुत से डिजीज का इंडिकेटर के रूप में काम करता है। CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट रिएक्टिव प्रोटीन, जो इसका प्रोडक्शन या सेक्रेशन लीवर में होता है। सैंपल के रूप में टेस्ट अगर जो हम लोग लगाते हैं तो सैंपल के रूप में हम लोग सीरम का यूज करते हैं। एक लेटेक्स किट आता है CRP के लिए, जिसमें पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल और टेस्ट, तीन तरह के ट्यूब रहते हैं। नेगेटिव जो रहते हैं ग्रीन रहते हैं, कलर के रहते हैं उसके टिप, पॉजिटिव के रेड और वाइट रहते हैं, जिससे हम लोग टेस्ट लगाते हैं उसका। तो सबसे पहले टेस्ट लगाने के पहले हम लोग सीरम 1:5 का डाइल्यूशन बनाते हैं सीरम और नॉर्मल स्लाइन के बीच। मतलब 1 ड्रॉप अगर जो हम लोग सीरम लेंगे तो 4 ड्रॉप नॉर्मल स्लाइन मिक्स कर लेंगे, तो ये 1:5 का डाइल्यूशन हो गया। उस डाइल्यूशन में से 0.5 ml सीरम को तीन सर्किल, अब तीन सर्किल मतलब ए सर्किल, दो सर्किल और तीसरा सर्किल, तीन सर्किल बने रहते हैं। एक पॉजिटिव कंट्रोल के होते हैं और एक नेगेटिव कंट्रोल के सर्किल होते हैं स्क्वेन से, और एक टेस्ट का सर्किल होते हैं। तीनों में सीरम 0.5 ml डाल देते हैं तीनों में, और तीनों में 0.5 ml डालने के बाद हम लोग पॉजिटिव कंट्रोल में पॉजिटिव जो किट के साथ आता है लेटेक्स उसको डालते हैं, नेगेटिव में नेगेटिव कंट्रोल डालते हैं और टेस्ट में जो टेस्ट रिएजेंट आते हैं लेटेक्स रिएजेंट उसको डालते हैं, और लगभग 2 मिनट तक इसको रोटेटर द्वारा स्टिक रहता है प्लास्टिक का, उससे मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद अगर जो एग्लूटिनेशन आ जाते हैं तो समझते हैं CRP टेस्ट एक पॉजिटिव टेस्ट है। अब पॉजिटिव टेस्ट आने से क्या क्या डिजीज हो सकते हैं, तो ये पॉजिटिव किस किस कंडीशन में आते हैं, तो 2 कंडीशन में आते हैं, इन्फ्लामेशन कंडीशन और इन्फेक्शियस कंडीशन। तो इन्फ्लामेशन हो शरीर में या इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन हो या इन्फ्लेमेशन के कारण सिर्फ इन्फ्लामेशन हो, दोनों कंडीशन में CRP पॉजिटिव आता है। जैसे इन्फ्लामेशन तो ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें शरीर अपने ही इम्यूनिटी के खिलाफ काम करने लगता है उसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इत्यादि ऑटो इम्यून डिजीज है, ल्यूपस डिजीज में CRP का वैल्यू बढ़ जाता है। या एक टाइप का अलग टाइप का इंटरस्टिनल वैस्कुलर सिंड्रोम होता है जिसमें को IVS कहते हैं, उस कंडीशन में भी इन्फ्लामेशन होता है, उसमें भी CRP बढ़ जाता है। उसके बाद अल्टरेटिव कोलाइटिस में जिसमें ITS लगा हुआ है मतलब सूजन, इन्फ्लामेशन, पेनक्रियाटाइटिस ITS मतलब पेनक्रियाज में सूजन, हार्ट के भी बाल में और लाइनिंग में सूजन आ जाते हैं, और शरीर के किसी भी ऑर्गेन में सूजन हो या टिश्यू में सूजन हो या इंजुरी के कारण सूजन हो, कैंसर, ऑब्सिटी, इस सब कंडीशन में भी CRP पॉजिटिव आते हैं। उसके अलावे इन्फेक्शियस कंडीशन, सेप्सिस हो, पस बन रहा हो, स्किन इन्फेक्शन हो, चर्म रोग हो इत्यादि, एक्जिमा, दांत, खाज, खुजली, कुछ भी हो, उस कंडीशन में भी CRP इंक्रीज बढ़ा हुआ आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब हम लोग CRP वैल्यू से इसका रेफरेंस से इंडिकेट करता है कि यह किस डिजीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले तो नॉर्मल वैल्यू लेस देन 1 mg/L अगर जो आता है तो, या अगर जो क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं तो कोगुलेशन नहीं आना चाहिए। जो एग्लूटेनेशन आता है हम लोग का क्वालिटेटिव टेस्ट में डॉट डॉट डॉट, जो जैसे दही के फटे, दही जो बच्चा उल्टी करता है तो फटा जैसे छोटे 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 दाने जैसे आते हैं, उस तरह का जो एग्लूटेनेशन आते हैं तो CRP पॉजिटिव लेकिन नहीं आते हैं। इसका मतलब है नॉर्मल रेंज है, 1 mg/L से कम CRP का वैल्यू है क्वान्टिटी में। दूसरा, अगर जो मोर देन 3 mg/L आता है तो हार्ट डिजीज का रिस्क है, अगर जो मोर देन 10 mg आता है तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी कंडीशन, अर्थराइटिस
रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकते हैं, अगर जो बिटवीन 10 से 50 मिलीग्राम है तो माइल्ड इन्फ्लामेशन एंड वायरल इन्फेक्शन में आते हैं, अगर जो लेवल CRP का 50 से 200 मिलीग्राम पर लीटर है तो एक्टिव इन्फ्लामेशन है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कहने का अर्थ है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर जो CRP का आएगा तो इंडिकेट करेगा सीवियर इन्फेक्शंस को, और इसके टेस्ट के लिए हम लोग सीरम का यूज करते हैं। अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।